मन में भरे प्रकाश, जो मैली चूनर धुले, सोहर
को किया और यहाँ पे जितने भी गणमान्य लोग आए हैं, नए माँ के भक्त आए हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। और इस कलयुग के काल को भी मैं कहता हूँ कि हो सकता है तुमने अपने कलयुग के काल के कुचक्र को नेपाल में फैला दिया हो, लेकिन अब ठहर जाओ, रुक जाओ, भगवती मानव कल्याण संगठन का रथ चल पड़ा है। एक न एक दिन जरूर आएगा इस राष्ट्र की गरिमा में ऊंचाइयां, इस राष्ट्र का गौरव, इस राष्ट्र की संस्कृति जिसके लिए दुनिया में जाना जाता था वो पुनः स्थापित होगा। यहाँ से नशे मान से मुक्त और धर्म की ओर ये राष्ट्र अग्रसर होगा। इस नेपाल राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए मैं माँ भगवती से कामना करता हूँ। और नेपाल से बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह है यहाँ के। मैं एक समय तो मैंने भाषा भी सीखी नेपाल की, लेकिन नेपाल की भाषा सीखते सीखते मेरी हिंदी बिगड़ गई, मैं पूरा हिंदी में आ गया, क्योंकि मुझे हिंदी में बहुत बोलना पड़ता है हिंदुस्तान में। तो हमने कहा कोई बात नहीं, मेरे बहुत से नेपाल के भाई बहन हिंदी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं तो मेरे नेपाली के भाई बहन उनको नेपाली में ट्रांसलेट करके उनको बता देंगे। और एक बार फिर हम सब इस दर्शन धाम के परिवार की तरफ से सभी को जय माता की, जय गुरु। मैं प्रणाम करता हूं नेपाल की इस धरती को, जहां कभी राम भगवान का संबंध स्थापित हुआ था। मैं प्रणाम करता हूं भगवान बुद्ध की उस धरती को, जहां से पूरे संसार भर में शांति का संदेश उस समय गया था। और मैं प्रणाम करता हूं पशुपतिनाथ भगवान की इस धरती को, जिनके दर्शन के लिए भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों से लोग दर्शन के लिए नेपाल में उपस्थित होते हैं। हमारे संगठन के केंद्रीय महासचिव हमारे अजय भैया तो यहां आते रहते हैं। हम लोग पहली बार यहां पर हमारा आना हुआ, और व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए खुशी और सम्मान की बात है कि हम सबको आपके पास बैठ करके मां की स्तुति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई लोगों ने कहा आते समय कि नेपाल क्यों जा रहे हैं, जो लोग नहीं जानते क्या संबंध है, तो हमने कहा कोई और संबंध नहीं, वही संबंध है जो युगों पूर्व हुआ था हमारा नेपाल वासियों से, नेपाल के भाइयों बहनों से, हमारा धर्म का संबंध। भाइयों बहनों, कई लोग यहां पर नए भाई बहन बैठे होंगे, केवल दो मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा कि इस दुर्गा चालीसा पाठ में हमारा आना हुआ केवल आपको एक संदेश देने के लिए कि नेपाल की जो सांस्कृतिक गौरवशाली ऐतिहासिक कार्यप्रणाली रही, गतिविधि रही, एक धार्मिक सांस्कृतिक इतिहास रहा, उस इतिहास को अक्षुण्ण बनाए रहने के लिए, सतत रूप से आगे और बढ़ाने के लिए, उस धर्म को नया स्वरूप देने के लिए, आज की जो वर्तमान विसंगतियां हैं, चाहे नशा हो, चाहे मांसाहार हो, चाहे धर्मांधता हो, चाहे सांप्रदायिकता हो, जो भी हो, उन सबको दूर करके हर व्यक्ति के घर में सुख शांति की स्थापना के लिए परम पूज्य योगी राज शक्ति पुत्र जी जैसे ऋषि ने एक वीणा ठाना है कि मां की आराधना करके मैं भारत देश ही नहीं बल्कि अन्य कई देशों में भी मां की भक्ति की स्थापना करूंगा और लोगों के घर में सुख शांति की स्थापना करूंगा। इसी उद्देश्य को लेकर के नेपाल में भी मां के इन भक्ति रूपी क्रमों की गंगा बहाई गई है। और कहने की बात कही यहां पर उदाहरण के रूप में हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन नेपाल के सैकड़ों गुरु भाई बहन बैठे हैं, जो आज से दसियों वर्ष पूर्व कभी मध्य प्रदेश की धरती में पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम में गए थे। उनके जीवन में कई समस्याएं थी, लेकिन वहां पर जाकर के परम पुरुष सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों को प्राप्त करके मां की भक्ति का जो प्रसाद उन्हें मिला, आप उनसे मिल सकते हैं कि उनके जीवन में किस प्रकार परिवर्तन हुआ। केवल मां की भक्ति को आत्मसात करके आप भी एक बार पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम आइए।
आज जहां समाज में एक और अनीति या न्याय अधर्म फैला हुआ है, लोग नशे मान से ग्रसित हैं, युवाओं को कोई दिशा देने वाला नहीं है, नारी का सम्मान नहीं है, वहीं हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि आज आवश्यकता है समाज में मानवीय मूल्यों की स्थापना की। वो मानवीय मूल्य जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पर स्थापना के लिए आए हैं, गुरुदेव जी ने धर्म रक्षा के लिए पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम की स्थापना करी है। आज से 26-27 वर्ष पूर्ण भारत में मध्य प्रदेश की भूमि में सिद्धाश्रम की स्थापना की गई। एक बार उस आश्रम के लिए हम आप सभी को आमंत्रित कर देंगे, आप आए, आप देखें किस तरीके से जन कल्याणकारी कार्य वहां से किए जा रहे हैं, किस तरीके समाज में वहां से परिवर्तन दिया जा रहा है। और आज आवश्यकता है मानवता के सेवा के लिए गुरुदेव जी ने स्थापना करी है भगवती मानव कल्याण संगठन की, जो आज कई देशों में कार्यरत है, जिसके एक नहीं 1,00,000 से ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो निशुल्क रूप से घरों में जा जाकर माँ की ज्योत जला रहे हैं, लोगों को नशा मुक्त कर रहे हैं, मांसाहार मुक्त कर रहे हैं, चेतनावान बना रहे हैं, पुरुषार्थी बना रहे हैं। बहुत ज्यादा समय तो नहीं लेंगे हम आपका, बस युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि एक जीवन मिला है माँ के चरणों में, एक जीवन अपना माँ के चरणों में लगा कर देखो, आधुनिकता में बढ़ने के लिए अनेक जीवन मिल जाएंगे। आध्यात्मिकता में अपना एक जीवन पुकार कर देखो, ये पुकार है सत्य की, ये पुकार है सनातन की, ये पुकार है भगवती मानव कल्याण संगठन की, कि अगर आपने एक जीवन माँ के चरणों में बिता दिया तो आपके ही नहीं आने वाली पीढ़ियों के जीवन संवर जाएंगे और वो संस्कार आपको हासिल होंगे जिसमें आपका पतन कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती, आप सदैव सतपथगामी बनेंगे। एक बार आप उस आश्रम में आइए और एक विशेष सूचना है कि आगामी शारदीय नवरात्रि में 22-23-24 अक्टूबर 2023 महाशक्ति संतनाथ का आयोजन होने जा रहा है। वो आयोजन कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं, बहुत दुर्लभ लोग होते हैं जो उस क्रम तक पहुंच पाते हैं। आप खुद कल्पना करिए, जब 1,00,000 से अधिक शक्ति साधक बैठकर एक जगह संतनाथ करेंगे तो उसकी ऊर्जा कहाँ होगी, कितनी ऊर्जात्मक क्रम से हम लोग जुड़ेंगे, माँ की दिव्य आरतियां मिलेंगी। आज सभी वर्गों से मेरा निवेदन है कि आने वाले शिविर के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ से शामिल हो शिविर में,